अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली का लोगों में ऐसा जुनून है कि कोरोना वायरस से बेखौफ होकर हजारों देशी विदेशी पर्यटक पुष्कर पहुंच रहे हैं। होली से पहले धार्मिक नगरी होली के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। बाजारों में मेले जैसा माहौल है। होटल और रेस्टोरेंट आबाद होने लगे। पुष्कर की अनूठी होली का आनंद लेने के लिए भारी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। होली के इन दीवानों में ना तो कोरोना वायरस का खौफ है, ना ही सरकारी पाबंदियों का। पुष्कर होली पर विदेशी पर्यटकों और होटल मालिकों ने अपना उत्साह बयान करते हुए बताया, Right now, I am not that much afraid of the corona. I just try to avoid crowded places. But except that, I'm enjoying Pushkar a lot. It's a very nice place. I meet lots of friends and the locals that become friends. So I'm enjoying here a lot. जैसे कि वायरस वगैरह का वो संभावना है वो काफ़ी कम है, और जैसे भी प्रशासनिक सहायता या कोई एडवाइजरी उन्होंने जारी की है तो हम उनका पालन कर रहे हैं सब के सब। और होली की वजह से धीरे धीरे पुष्कर में पर्यटन का आवागमन भी तेज होता जा रहा है। इससे सबको, यानी कि जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन वगैरह पुष्कर वासी है, उनको सबको फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से। किस तरह का माहौल है पुष्कर में? पुष्कर में अच्छा माहौल बने जा रहा है होली की वजह से। पर्यटन पुष्कर की होली को काफ़ी पसंद करते हैं और सब यहाँ पर आके अपने तरीके से होली मनाने का प्रयास करते हैं। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और देश की पूर्णता कोल्ड चेन पद्धति पर संचालित यूनिट द्वारा रंगों भरे त्योहार होली और शीतला सप्तमी के पावन पर्व पर सरस परिवार से जुड़े समस्त उपभोक्ताओं, दुग्ध उत्पादकों और शुभ चिंतकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आभार। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के शुद्ध और पौष्टिक उत्पाद पनीर टोन और गोल्ड दूध, दही, देसी घी, नमकीन और मीठी छाछ और श्रीखंड अजमेर डेयरी बूथ और सरस पार्लर पर उपलब्ध है। शीघ्र ही अजमेर जिले के उपभोक्ताओं को अजमेर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों की नई रेंज में सरस फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट, टेबल बटर, गाय का दूध और दुग्ध उत्पादक उपलब्ध कराए जाएंगे। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और अजमेर डेयरी प्रबंधक संचालक प्रदीप चतुर्वेदी की ओर से सभी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं।